स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटेसी बस पे। हम यहाँ बात करेंगे आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मैच खेला जाएगा, फुल प्रीव्यू के साथ हर एक प्लेयर का डिटेल्ड एंड लॉजिक वाइज एनालिसिस, कौन से खिलाड़ी का सिलेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कब कौन से खिलाड़ी आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, दोनों टीमों के बीच में मैच हुए तो कौन से खिलाड़ी का अच्छा रिकॉर्ड है नहीं है, ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप अपनी खुद से बेहतर टीम बना पाएंगे, बस पूरा वीडियो देखो विदाउट स्किप किए। और इस वीडियो के बाद कोई फर्दर अपडेट आएगी आफ्टर टॉस के बाद, कोई ऐसी न्यूज़ जो आपकी फैंटेसी टीम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा, तो वो सारी चीज़ें हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म करते हैं बिल्कुल फ्री में। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन के सबसे पहले कमेंट में दिया हुआ है, फटाफट जाओ एंड जुड़ जाओ। अब दोस्तों जो ये मैच खेला जाएगा वो क्वीन स्पोर्ट्स क्लब बुलावायो के ग्राउंड पे खेला जाएगा। ओवरऑल 77 मुकाबले खेले गए, 242 का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है। स्कोरिंग पैटर्न देखो 18 बार 300 के पार, 17 बार 200 से सॉरी 250 से 299 के बीच में मोस्टली स्कोर हुआ है। अब जो मैं बात करने वाला हूँ थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं लास्ट 6 मैचेस की बात करूँगा जो यहाँ खेले गए। ये पहला मैच एक स्ट्रॉन्ग टीम एक वीक टीम एक तरफा जीती, स्पिन को 11 पेसर्स को 13, वानिंदु हसनगा के 6 विकेट इसमें शामिल थे। अब देखो इस सीरीज से पहले यहाँ 5 मुकाबले जो इस ग्राउंड पे खेले गए वो भी स्ट्रॉन्ग टीम और वीक टीम के बीच में खेला गया। पाकिस्तान जिम्बाब्वे, पाकिस्तान एक तरफा विनिंग की 300 प्लस स्कोर बना, यहाँ पाकिस्तान की टीम चेज कर रही थी 195 पे ऑल आउट कर देता फर्स्ट बल्लेबाजी, वीक टीम कर रही थी तो लो स्कोर हुआ। यहाँ पे फिर से फर्स्ट बल्लेबाजी वीक टीम कर रही थी लो स्कोर हुआ, पाकिस्तान एक तरफा विन की। यहाँ पे पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी 300 प्लस स्कोर किया इवन 400 किया और जिम्बाब्वे एक तरफा हारी, सेम थिंग यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा। तो जो लास्ट 6 मैच खेले गए ना एक स्ट्रॉन्ग टीम और एक वीक टीम के बीच में खेला गया। अब जब ऐसे मुकाबले होते हैं तो पिच रिपोर्ट की अहमियत कम हो जाती है, ठीक है। तो लास्ट 6 मैचेस के बेस पे इस पिच को जज करना थोड़ा आपके लिए भूल हो सकता है। आपको इस पिच को कैसे देखना है, जो दोनों टीमों के बीच में मैच होने वाला है आयरलैंड और स्कॉटलैंड, जो मैंने आपको ओवरऑल रिकॉर्ड दिखाया वो देखो, स्कोरिंग पैटर्न 250 से 300 के बीच में मोस्टली 18 और 35 बार स्कोर गया मोस्टली। तो अगर कोई बल्लेबाज खराब ना खेले तो यहाँ पे आपको 250 के ऊपर स्कोर देखने मिल सकता है, जो अभी दोनों टीमों के बीच में मैच खेला जा सकता है जाएगा आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, ठीक है। बॉलिंग से अगर हम बात करें तो ये आपके सामने 19 विकेट स्पिनर 36 विकेट पेसर, 1:2 का रेशियो ऑलमोस्ट, तो यहाँ से आपको इस तरीके से सपोर्ट देखने मिल सकता है। अब ये तो विकेट है जो मैंने आपको बताया, इस तरीके से विकेट देखने मिल सकता है, लेकिन आफ्टर टॉस पिच रिपोर्ट आता है, मैं आपको उसका एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा, उससे भी हमें हिंट लग जाएगा कि क्या स्पिनर के लिए अच्छा विकेट या पेसर्स के लिए अच्छा विकेट है, बैटिंग के लिए अच्छा विकेट है या नहीं है, ठीक है। अभी तो जो हमने माना वो माना, आफ्टर टॉस ये मिलेगा तो उसके बेस पर हम फिर टीम चेंज कर सकेंगे, क्योंकि अभी एनालिसिस मैं इस तरीके से बताऊंगा कि कौन से खिलाड़ी आपके लिए स्पिन विकेट पे अच्छे रहते हैं, पेस विकेट पे अच्छे रहते हैं, बैटिंग विकेट है तो कौन से खिलाड़ी अच्छे रहते हैं, इस तरीके से एनालिसिस बताएंगे ताकि फाइनल पिच रिपोर्ट देखते हुए आप अपनी टीम में चेंजेस कर पाएं। तो फाइनल पिच रिपोर्ट के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि वो तो आफ्टर टॉस ही आता है तो टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर देते हैं फ्री है बिल्कुल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन के सबसे पहले कमेंट में लिंक है, फटाफट जाओ एंड जुड़ जाओ। आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में 20 बार मुकाबले हुए हेड टू हेड, 15 बार आयरलैंड है, स्कॉटलैंड ने 4 बार, एक बार नो रिजल्ट। ओडीआई रैंकिंग 13 और 12 है। उसके बाद आयरलैंड की टीम ने अभी एक मैच खेला है और वो हारे हैं, स्कॉटलैंड की टीम पहला मुकाबला खेलेगी। राइट हैंडर कितने हैं लेफ्ट हैंडर कितने हैं वो आप यहाँ पर देखते हुए चल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आयरलैंड की प्लेइंग 11, इन्होंने एक मैच खेला हुआ है उसका रिसेंट स्कोर देखूँ, इनके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है मैकग्रीन ने ओपन किया था, पॉल स्टर्लिंग, हैरी टेक्टर, जॉर्ज डॉकरेल और मार्क अदर जीहू में, जोशुआ लिटिल, बालबिरनी भी इंपॉर्टेंट रहेंगे बट ये फॉर्म से जूझ रहे हैं, ठीक है। रिसेंट फॉर्म देखो 20 रन प्लस एक विकेट, 23 रन इनका सॉरी 0 विकेट, इसके बाद यहाँ पे 52 रन प्लस 0 विकेट, 91 रन प्लस एक विकेट, मार्क अदेर 2 विकेट, यहाँ पे जीओ में 15 रन 0 विकेट, 2 विकेट जोशुआ लिटिल। लास्ट मैच के स्कोर से हैं, कह रहे कौन कहाँ पे बॉलिंग करेगा, कितने ओवर की बॉलिंग करेगा, जॉस लिटिल, मार्क अदेर, जीओ में पावर प्ले में, डेथ में मार्क अदेर, जॉस लिटिल मोस्ट ऑफ द टाइम दिखेंगे, जीओ में भी एक आधा ओवर लेके आ सकते हैं डेथ में, क्योंकि ये भी डेथ में बॉलिंग करने के लिए जाने जाते हैं। अब इनकी टीम से जो अच्छे खास ओवर की बॉलिंग डालते हैं, जॉस लिटिल, मार्क अदेर, बेन वाइट इनके मेन स्पिनर है, अगर महंगे साबित नहीं हुए तो ये 2 ओवर शायद ना कटते, ठीक है, लास्ट मिनट में कट गए, तो ये 3 आपको अच्छे खासे ओवर डालते हुए दिखेंगे। बात रही जी उमे की, शेयर करेंगे, उसके बाद डॉकरेल शेयर करेंगे, मकब्रीन शेयर करेंगे, हैरी टेक्टर शेयर करेंगे, सबसे कम चांस हैरी टेक्टर के कम ओवर डालें। डॉकरेल सामने राइट हैंडर ज्यादा है, फिर से ओवर डाल सकते हैं, मकब्रीन 5 से 6 ओवर डालते हुए दिख सकते हैं, जी उमे भी 5 से 6 ओवर डालते हुए दिख सकते हैं, तो ये बॉलिंग डिपार्टमेंट से न्यूज़ है। इसके बाद आयरलैंड की टीम की बात करें, प्लेयर वाइज स्टैट्स आप देख सकते हो, टकर का 21 का एवरेज है,
जैसे आपको पॉल स्टर्लिंग का देखना है, 148 मैच की 143 इनिंग में 5334 रन है, 38 का एवरेज है, बॉलिंग भी डाली हुई है तो बॉलिंग से रिकॉर्ड है, और येलो कलर से मेंशन है, इट मीन्स अच्छा रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से आपको हर एक प्लेयर का रिकॉर्ड देखने मिलेगा, कौन अच्छा रिकॉर्ड रखता है नहीं रखता वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये फोकस करते हुए चलना है। अगर कोई न्यू प्लेयर खेलता है लाइक क्रैग यंग खेल रहे हैं तो आप उनका रिकॉर्ड देख सकते हो, 37 मैच की 34 इनिंग में 60 विकेट है, इस तरीके से हर एक प्लेयर का देखते हुए चलो। अब विजन 11 पे साइन अप नहीं किया तो फटाफट करो, जो TNPL के मैचेस चल रहे हैं डेली गिव अवेज आ रहे हैं तो गिव अवेज का फ़ायदा उठाओ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन के सबसे पहले कमेंट में लिंक है, जाके साइन अप करो, ठीक है। आप गिव अवे का फ़ायदा उठाओ, इंस्टेंट विड्रॉल की फैसिलिटीज़ है, लोएस्ट एंट्री फीस है, रैंक लेस का प्रोटेक्शन है, सेकेंड इनिंग खेल सकते हो, मल्टीपल कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ एक क्लिक में। जो एंट्री फीस की मैं बात कर रहा हूँ आप कंपेरिजन करके देखो कितना ये सेविंग आपका होगा अगर आप विजन 11 पे खेल रहे हो, अदर प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हो ना तो इतना पैसा एक्स्ट्रा पे कर रहे हो तो वो आपका लॉस है। जब मार्केट में ऐसी ऐप अवेलेबल है जहाँ पर लेस कमीशन लग रहा है तो आप यहाँ पर खेलना स्टार्ट कर सकते हो, और खेलने के लिए डिपॉजिट ऑफर भी आया हुआ है। फर्स्ट डिपॉजिट ऑफर 399 से लेके 4999 के बीच में कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करो, फर्स्ट डिपॉजिट होना चाहिए, ये कोड यूज़ कर लेना, 100% का कैश बोनस मिलेगा। ये जो कैश बोनस है ना सेलेक्टेड लीग्स में यूज़ भी होती हैं तो आप लोग यूज़ कर सकते हो उसे अपनी, 5 से 10% तक बोनस यूज हो जाता है, सेलेक्टेड लीग्स बनती है उसमें यूटिलाइज हो जाएगा बोनस। तो फटाफट जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साइन अप करो। स्कॉटलैंड की बात करें, इनकी टीम के जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है जॉर्ज मुंसे, रिची बैरिंगटन, बेन मैकमिलन और इनके जो बॉलर्स हैं ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो जॉर्ज मुंसे का फॉर्म काफ़ी अच्छा है, इसमें मैंने वार्मअप मैच का स्कोर नहीं लगाया, मैं आपको आगे दिखा दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो इंटरनेशनल में काउंट नहीं होता है इसलिए मैंने नहीं लगाया मैं, बट आपको आगे दिखा दूंगा अभी जो अभी इन्होंने वार्मअप गेम में स्कोर किया हुआ है इनका। देखो फॉर्म काफ़ी अच्छा है, मैकब्रीड का फॉर्म डिसेंट है, बैरिंगटन का फॉर्म थोड़ा ख़राब है, उतना अच्छा नहीं है, इनका फॉर्म डिसेंट है। बाकी यहाँ पे मैकिंटॉस, उसके बाद मैकमिलन का फॉर्म काफ़ी अच्छा है, ग्रीव्स का फॉर्म डिसेंट है, एक विकेट दो विकेट, माइकल लिस्क का फॉर्म काफ़ी अच्छा है, बल्ले से नहीं तो गेंद से 107, 4 विकेट 29 रन 3 विकेट, कहीं ना कहीं से परफॉर्म कर देते हैं। शरीफ का भी फॉर्म काफ़ी अच्छा है, 1, 2, 3 फिर 1 विकेट। मार्कॉट का फॉर्म काफ़ी अच्छा है, 3 विकेट 3 विकेट 4 विकेट 3 विकेट, मतलब लास्ट 4 मैच में आप इनके विकेट्स देखो। उसके बाद क्रिस सोले, इनका भी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। रिकॉर्ड क्या मतलब रिसेंट फॉर्म। इनकी टीम से जो मेन गेंदबाज है वो कौन कौन है, देखो ये 4, 5वें ही है, ये 5 अच्छे खासे चांसेस रखेंगे ओवर डालने के, बाकी जो इनमें से ऐसा होता है ना कि कभी कभी 8-8 ओवर डाल गए ये लोग या 7-7 ओवर डाल गए, तो जो बचे हुए ओवर से वो क्रिस ग्रिव्स शेयर करेंगे। बहुत रेयर चांस है कि रिची बैरिंगटन बॉलिंग डाले, कभी कभार डालते हैं अगर वर्स्ट सिचुएशन आया है तो। पावर प्ले के गेंदबाज इनके मैकमिलन, मार्कॉट, माइकल लिस्क, क्योंकि ये पावर प्ले में स्पिनर को यूज़ करते हैं, अगर सामने लेफ्ट हैंडर है तो ये माइकल लिस्क को यूज़ करेंगे, अगर सामने राइट हैंडर है तो मार्क वॉट को यूज़ करते हैं। डेथ में इनके पास है सफियान शरीफ, क्रिस सोले और मैकमिलन, इनमें से कोई एक, सफियान शरीफ ऑलमोस्ट कन्फर्म है। इसके अलावा इनके प्लेयर वाइज स्टैट्स देख लो, मैथ्यू क्रॉस 24 का एवरेज रखते हैं, ये जो रिसेंट ODD दिख रहा है ना ये तो इनका इंटरनेशनल का परफॉर्मेंस है, रिसेंट इन ODD यानी अदर डोमेस्टिक ODD वो 35 और 32, ये स्कोर है वार्म अप गेम का, ठीक है। जी मुंसे का वार्म अप गेम में 0 और 1 है, बाकी उससे पहले फॉर्म देखो काफ़ी अच्छा है। रिची बैरिंगटन का भी फॉर्म वार्म अप गेम में 8 और 7 रन, बाकी मैकब्रीड का 5 रन प्लस 0 विकेट 20 रन, ये वार्म अप गेम का परफॉर्मेंस है। मैकमिलन का परफॉर्मेंस वार्म अप गेम में काफ़ी अच्छा था। माइकल लिस्क का ओवरऑल, देखो ये ओवरऑल स्टैट्स है जो येलो कलर से मेंशन दिख रहे हैं वो अच्छा स्टैट्स रखते हैं, तो आप देखते हुए चलना और फोकस करते हुए चलना, मैं आपको वार्म अप गेम पे फोकस करवा रहा हूँ। माइकल लिस्क 6 रन प्लस 0 विकेट और 7 रन 2 विकेट, ये वार्म अप गेम का। क्रिस ग्रीव्स फॉर्म ठीक ठाक वार्म अप गेम में भी। उसके बाद इनके बॉलर्स देखो, मैक्सिमम बॉलर्स इंपॉर्टेंट है, सबका अच्छा रिकॉर्ड है। मार्कॉट 54 मैच में 79 विकेट, सफियान शरीफ 71 मैच में 94 विकेट, ए इवांस 41 मैच में 57 विकेट, उसके बाद क्रिस सोले 23 मैच में 42 विकेट है और हमजा ताहिर 31 मैच में 40 विकेट है, ए नील 8 मैच में 13 विकेट है, सबका अच्छा रिकॉर्ड है। वार्म अप गेम का स्कोर देखो यहाँ पे, मार्कॉट का ये रिसेंटली फॉर्म है, सफियान शरीफ का भी ठीक है और ए इवांस ने ODD में ये परफॉर्मेंस किया, क्रिस सोले का 4 विकेट ODD में, हमजा ताहिर का 0 विकेट, ए नील का 1 विकेट, ठीक है। तो ये चीज़ है, बाकी आप इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखो जब दोनों टीमें का मैच होता है तो किस प्लेयर का कैसा रिकॉर्ड है। आयरलैंड की तरफ से पॉल स्टर्लिंग 34 का एवरेज है, बालबिनी 34 का एवरेज है, उसके बाद रिची बैरिंगटन 28 का एवरेज है और माइकल लिस्क का 27 का एवरेज है, ठीक है। और बॉलिंग से बात करें तो वहाँ पर देखो आयरलैंड की तरफ से क्रैग यंग 4 मैच में 12, डॉकरेल 8 मैच में 11, ध्यान रखना 8 मैच खेले और 8वें इनिंग में बॉलिंग डाली है, बैरी मैकार्थी 3 मैच में 6 विकेट है।
सफियान शरीफ 7 मैच में 8 विकेट है, बैरिंगटन 15 मैच की 10 इनिंग में 5 विकेट है। इसके बाद थोड़ा वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, यानी इस ग्राउंड पर जब मुकाबले होते तो किस प्लेयर का कैसा रिकॉर्ड है। डॉकरेल ने 1 मैच में खेला 91 रन बनाए, यही लास्ट मैच जो भी ये लोग स्कोर किए थे। बैरिंगटन ने 38 की एवरेज रन बनाए हुए, जॉर्ज मुंशन ने 31 की एवरेज रन बनाए हुए। इसके अलावा बॉलिंग से बात करें तो ये सबका लास्ट मैच का स्कोर है। ये सफियान शरीफ 3 मैच में 8, क्रिस सोले 3 मैच में 4, माइकल लिस्क 2 मैच में 4, रिची बैरिंगटन 2 मैच में 3। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों थोड़ा प्लेयर बैटल देख लो जो कुछ खास है नहीं। बालबिरनी 1 बार आउट हुए, 73 गेंदों में 58 रन बनाए मार्क वॉट के और 1 बार आउट हुए। पॉल स्टर्लिंग जो कि ऑफ स्पिन के सामने स्ट्रगल करते हैं, 13 गेंदों में 1 बार आउट किया इनको माइकल लिस्क ने। हैरी टक्टर को भी माइकल लिस्क ने 1 बार आउट किया। टकर को मार्क वॉट ने 8 गेंदों में 2 बार आउट किया। इसके बाद ये सब 1-1 बार आउट हुए, जिससे कुछ खास कंक्लूजन निकलता नहीं है। अगर आपको देखना है आप देख सकते हो। अब हम चलते हैं टीम सेलेक्शन की तरफ, कीपिंग सेक्शन से स्टार्ट करेंगे गाइस। देखो एल टकर को मैंने लिया हुआ है अभी, लेकिन मैथ्यू क्रॉस स्मॉल लीग में अगर इनकी टीम फर्स्ट बल्लेबाजी कर रही है तो आप इनको लेने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि एल टकर और मैथ्यू क्रॉस दोनों सेम कैटेगरी के बल्लेबाज हैं, डिसेंट है, 20 से 30 रन बना के दे सकते हैं, कुछ कीपिंग बैकअप रहेगा। एल टकर को इसलिए लिया है क्योंकि आयरलैंड की टीम थोड़ा फेवर रख सकती है, मुझे जहाँ तक मैंने टीम स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व किया है तो शायद ये कीपिंग से पॉइंट देके चले जाए। एम क्रॉस को कब ले सकते हो, अभी मैंने आपको बता दिया कब उनके ऊपर रिस्क लेके जा सकते हो। हैरी टेक्टर मस्टर पिक, कंसिस्टेंट स्कोरर है, फॉर्म में भी हैं, कुछ ओवर गेंदबाजी भी कर लेते हैं। डॉकरेल अपनी टीम के ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुसीबत में हमेशा 10 में से 6 से 7 बार ये आपको मुसीबत से निकालते हुए दिखेंगे अपनी टीम को, और अगर इनकी टीम को चेजिंग में तेज़ी से रन चाहिए तो ये अच्छा खासा कर लेते हैं। फर्स्ट बल्लेबाजी में लास्ट में आके अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, और इस मैच में गेंदबाजी के भी अच्छे खासे चांसेस है। लास्ट मैच में 6 ओवर डाला था वैसे, लेकिन अभी इस मैच में क्यों मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा चांसेस है, सामने वाली टीम में राइट हैंडर्स ज़्यादा हैं, तो ये अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं कैप्टेंसी के भी फर्स्ट बैटिंग में, और मस्ट हैव पिक रहेंगे जिस तरीके से फॉर्म है। जॉर्ज मुंशे, अभी जो इनका वार्म अप गेम खेला गया उसमें कुछ खास नहीं किया इन्होंने, बट उससे पहले अगर आप इनका स्कोर देखेंगे लास्ट 4 मैचेस में 250, 1 शतक और 1 40 का स्कोर है, तो ओवरऑल अच्छे खासे पिक हैं अपनी टीम के, और थोड़ा अटैकिंग नेचर में खेलते हैं तो कभी कभार जल्दी आउट होने का भी वो रहता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो मस्ट हैव पिक रहेंगे। पॉल स्टर्लिंग को मैं नहीं ले पाया हूँ, बट ये वन ऑफ द एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं अपनी टीम के, अटैकिंग अंदाज में खेलते हैं, फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, बट ये स्मॉल लीग के अच्छे पिक रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इनके टीम के ना मैंने जो टॉप के बल्लेबाज हैं ओपनर्स उनको मैंने नहीं ले पाया हूँ, चाहे वो पॉल स्टर्लिंग हो या बालबिरनी हो। बालबिरनी का तो फॉर्म ही ख़राब चल रहा है, अदरवाइज ये भी टेक्निक वाले प्लेयर हैं, बट थोड़ा फॉर्म ख़राब चल रहा है तो मैंने इनको नहीं लिया, बट पॉल स्टर्लिंग को मैं फिर भी अपनी टीम में लेना चाहता था बट मैं नहीं ले पाया हूँ। अब पॉल स्टर्लिंग ना ऑफ स्पिन और लेग स्पिन दोनों के सामने स्ट्रगल करते हैं, कुल मिला के स्पिन के सामने ही स्ट्रगल करते हैं, और जो स्कॉटलैंड की टीम है ना वो स्पिन को यूज़ करती है पावर प्ले में। अगर सामने राइट हैंडर है तो वो मार्क वॉट को यूज़ करती है, और सामने अगर लेफ्ट हैंडर है तो वो जो है उनको माइकल लिस्क को यूज़ करती है, तो ये एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे हमारे लिए। ठीक है, पॉल स्टर्लिंग, लेकिन मेरी टीम में जगह नहीं बन पाई है, कुछ एक मैंने आपको इनकी वीकनेस भी गिनवाई है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा फोकस करना। बालबिरनी का बता दिया, रिची बैरिंगटन ये भी अपने टीम के टेक्निकल बल्लेबाज हैं, और एक्सपीरियंस वाइज देखा जाए तो काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, लेकिन दिक्कत क्या है, इनका फॉर्म काफ़ी ख़राब चल रहा है। इनका लास्ट 4 मैचेस में 30+ का एक स्कोर आया, बाकी में फ्लॉप रहे, और अभी वार्म अप गेम हुआ है उसमें भी सिंगल डिजिट पे आउट हुए हैं, बॉलिंग बहुत कम करते हैं, तो मैंने नहीं लिया हुआ अपनी टीम में, बट जो स्मॉल लीग में रिस्क लेने लायक है ना ट्रंप पिक के तौर पे, वो आप इनको यूज़ कर सकते हो। मैकब्रीड टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, डिसेंट बल्लेबाज है, अभी उतनी क्रिकेट तो नहीं खेली है, थोड़ा देख लो किस टाइप से खेलते हैं। 11 मैच में 26 की एवरेज से रन बनाए, कभी कभार बॉलिंग डाल लेते हैं, ये राइट आर्म मीडियम और लेग स्पिन दोनों डालते हैं, बट अभी के लिए मैं ज़्यादा इन पर भरोसा करूँगा नहीं, क्योंकि अभी इन्होंने ज़्यादा मैचेस खेले नहीं है, और उसमें जो मैच खेले उसमें ज़्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं दिया। मार्क अदेयर मस्ट हैव पिक, चाहे कोई भी इनिंग हो, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, फर्स्ट इनिंग में दत में भी आते हैं, रन्स भी बना लेते हैं। बेन मैकम्यूलन अपनी टीम के लिए रिसेंटली इन्होंने बहुत इंप्रेसिव क्रिकेट खेला हुआ है, इन्होंने ना रन्स भी बनाए हैं और विकेट्स भी निकाले हैं, कम क्रिकेट खेले, 8 मैच खेले जिसमें 44 का एवरेज है और 11 विकेट लिए हुए हैं। अभी जो वार्म अप गेम गया उसमें भी इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, 30 और 40 में स्कोरिंग किया, भले विकेट नहीं लिया बट दोनों से परफॉर्मेंस किया, और अच्छे खासे ओवर भी डालते हैं, तो
तो मस्ट हैव पिक रहेंगे माइकल लिस्क, इनकी टीम के मेन ऑलराउंडर आप कह सकते हो, जो कि लगातार या तो बल्ले से या तो गेंद से परफॉर्मेंस देने का दम रखते हैं। और अभी मैंने आपको इनका फॉर्म भी दिखाया था, एक 107 का स्कोरिंग भी आया था। अभी ODT में बड़ा स्कोर तो नहीं आया, लेकिन 2 विकेट लिया था एक मैच में, ठीक है, तो ध्यान रहे। उसके बाद मकब्रीन ओपन कर रहे हैं, हालांकि सामने ज़्यादा राइट हैंडर्स है, ऑफ स्पिनर है, बट ये फिर भी 5 से 6 ओवर बॉलिंग डालते हुए दिख सकते हैं, प्लस ओपन कर रहे हैं, तो मस्ट हैव पिक। इवन आप इनको रिस्क लेना चाहो तो VC भी बना सकते हो। ग्रीप्स एक अच्छे ऑप्शन है, नो डाउट इनके पास ऑलराउंड एबिलिटी अच्छी खासी है, बट इनकी टीम में ऑलरेडी इतने सारे ऑलराउंडर हैं कि इनको उतना मौका मिल नहीं पाता है, अदरवाइज ये टेक्निकल बल्लेबाज हैं और बॉलिंग भी लाइन लेंथ अच्छी रखते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मेरी टीम में जगह तो नहीं बन पाई है, लेकिन आप अगर मिनी GL खेल रहे हो तो इनके ऊपर रिस्क लेके जा सकते हो। अब लास्ट मैच जब आयरलैंड की टीम खेली थी तो वो जो पिच था ना, वो थोड़ा सा स्पिनर के फेवर में था, हालांकि वो अलग बात है कि ये कप्तानों की सोच थी, लेकिन पिच पे उतना ज़्यादा स्पिन देखने नहीं मिला था, लेकिन इसी वजह से इन्होंने शायद कर्तिस कैंपर को ना खिला के बेन वाइट को खिलाया था। बट मुझे लगता है इस मैच में कर्तिस कैंपर खेलते हुए दिखेंगे, और अगर खेलते हुए दिखेंगे तो ये मस्ट हैव पिक रहेंगे। तो उस सिचुएशन में हमें 5 ऑलराउंडर लेने मस्ट हो जाएंगे, कर्तिस कैंपर भी, तो फिर ये मैच वहाँ पर रिस्की हो जाएगा जहाँ पर हमें सिर्फ 4 ऑलराउंडर लेना अला हुआ है, तो वहाँ पर फिर कम इन्वेस्ट करना। बाकी मैंने आपको बताया कि अगर कर्तिस कैंपर खेलते हैं तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट करना जहाँ पे 5 ऑलराउंडर लेके जा सकते हैं, जैसे माई फेब इलेवन पे आप ये वाला मैच ओपन करेंगे तो क्रिएट टीम का जैसे ऑप्शन आता है ना यहाँ नीचे, तो वहाँ पे टॉप में आप देखेंगे ना यहाँ पे 10 और 1 का ऑप्शन आता है, वहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपको 5 ऑलराउंडर वाला टीम बनाने को मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप बना सकते हो, तो वहाँ पे खेलेंगे, ठीक है। तो कंडीशन वाइज इन्वेस्ट करेंगे, स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करके मत बैठ जाना, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही नोट देते हुए चलूँ, अदरवाइज बाद में काफ़ी लोग बोलते हैं। तो GD Delaney एक एवरेज ऑप्शन रहेंगे, बॉलिंग कभी कभार ही करते हैं। जोशुआ लिटिल मस्ट हैव पिक, विकेट टेकिंग बॉलर, ऐसे कंडीशंस में ये काफ़ी इंप्रेसिव साबित होते हैं। मार्क वॉट विकेट टेकिंग बॉलर है, खासकर ऐसे लेवल पे, और इनका जो रिसेंट फॉर्म है ना, आप देखो 3 विकेट 4 विकेट 3 विकेट 3 विकेट ऐसे विकेट लिए हुए हैं, और अपनी टीम के मेन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, मस्ट हैव पिक रहेंगे। जी हूँ मैं ओवर कट रहे हैं, बट अगर फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी है तो आप इनके ऊपर मिनी GL में रिस्क ले सकते हो, क्योंकि डेथ में आ सकते हैं, चांसेस हैं, बट अभी इनकी टीम के डेथ बॉलर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो हो सकता है ना भी है, इसलिए मैंने बोला कि मिनी GL में रिस्क लेना इनके ऊपर। सफियान शरीफ, अगर इनकी टीम पहले गेंदबाजी करेगी तो मैं इनको ही अपनी टीम में लेके जाऊंगा, क्योंकि ये अपनी टीम के लिए डेथ में आते हैं और विकेट टेकिंग बॉलर है, थोड़ा रन्स भी ये बना लेते हैं, ठीक है, और लास्ट ये 5 मैचेस के परफॉर्मेंस भी अच्छे हैं, बट अभी के लिए अगर इनकी टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करती है तो हो सकता है मैं इनको छोड़ने का रिस्क ले जाऊं, और इनके जगह पे फिर मैं यहाँ पे कर्तिस कैंपर अगर खेलते तो उनको लेके चले जाऊं, ठीक है। तो ये टॉस पे डिपेंड करता है। A1 ये भी विकेट टेकिंग बॉलर है, बट शायद ना खेले, वार्म अप गेम में खेले हुए हैं, विकेटलेस गए हैं, लेकिन एक मैच में 24 रन बनाए। क्रेग यंग अगर खेलते हैं तो विकेट टेकिंग बॉलर है, पावर प्ले में स्विंग के लिए जाने जाते हैं, और मस्ट हैव पिक रहेंगे, इस टीम के अगेंस्ट भी अच्छा रिकॉर्ड है, तो अगर ये खेलते हैं तो मस्ट हैव पिक रहेंगे, ध्यान रखना। बेन वाइट शायद ना खेले, और खेलेंगे भी तो थोड़े एवरेज से ऑप्शन रहेंगे। बात आती है बैरी मैकार्थी की, तो ये भी विकेट टेकिंग बॉलर है, लेकिन शायद नहीं खेलेंगे। क्रिस सोले अगर ये खेल गए तो ये फॉर्म काफ़ी अच्छा रखे हुए हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, ध्यान रखना, ये आपकी टीम में भी अच्छे पिक रहेंगे। अभी वार्मअप गेम हुआ था उसमें 4 विकेट लेके गए थे। उसके बाद ए नील और हमजा ताहिर शायद खेलते हुए ना दिखें आपको। देखो गाइस, जो अभी के लिए टीम हो रही है कुछ इस प्रकार से है। अब इसमें मैंने कैप्टेंसी दिया हुआ है हैरी टेक्टर को, वाइस कैप्टेंसी मैंने दिया हुआ है माइकल लिस्क को, ठीक है। डॉकरेल को भी आप कैप्टेंसी दे सकते हो फर्स्ट बल्लेबाजी में स्पेशली, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा मार्क अदेर और ए मकब्रीन अदर गुड ऑफ, ये फर्स्ट बॉलिंग में मार्क अदेर और ए मकब्रीन किसी भी इनिंग में, इनको स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन और कर सकते हो, इंक्लूडिंग जॉर्ज डॉकरेल, सिचुएशन समझाया है। और ग्रैंड लीग में मार्क अदेर को ऐड कर लेना जॉर्ज डॉकरेल के जगह पे, मैकम्यूलन और पॉल स्टर्लिंग, ये ग्रैंड लीग के अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शंस के मटेरियल है। अब इस टीम में आपको किस तरीके से चेंजेस करने हैं पिच रिपोर्ट को देखते हुए, और जो मैच कंडीशंस रहेगा, प्लेइंग 11 रहेगा, वो सब चीज़ों को देखते हुए किस तरीके से चेंजेस कर सकते हो, जो सारी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे देता हूँ, चाहे पिच रिपोर्ट हो, मैच रिपोर्ट हो, प्लेइंग 11 हो, मैच से पहले, मैच स्टार्ट होने से पहले 1 मिनट तक सारी अपडेट वहाँ पे देते हैं, वहाँ से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल फ्री है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन के सबसे पहले कमेंट में लिंक है, जाओ और जुड़ जाओ वो अपडेट लेके ना। और जो वीडियो में आपको समझाया गया है सिचुएशन वाइज प्लेयर एनालिसिस, कौन सा प्लेयर किस समय अच्छा पॉइंट देने के चांसेस रखता है, वो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलाते हुए आप खुद से अपनी बेहतर टीम बना पाओगे, आपको किसी की टीम कॉपी करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाना, ठीक है, और खुद से टीम बना पाएगा। और उसके बाद ट्रंप के तौर पे ध्यान रखना,
बहुत ये ट्रम पिक ना बहुत मुश्किल से मैंने निकाले, मतलब बहुत सोच समझ के लिखा है, बहुत टाइम लगा। पॉल बिन्नी, ग्रीव्स, क्रिस सोले, जी हुमे, बैरिंगटन, इन लोगों को जरूर अपनी ग्रैंड लीग टीम में एज प्लेयर ट्राई कर लेना रोटेशन के रूप में, ठीक है। अगर जो रिस्क टेकर है ना वो स्मॉल लीग में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होते हैं, तो लॉस होने के भी चांसेस रहते हैं। तो जो रिस्क टेकर है, जो थोड़ा लॉस झेल सकते हैं, वो इनको जरूर स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो। और ये ट्रम्प पिक्स का यूज़ करते हुए ना, और ये कैप्टन्स वाइस कैप्टन्स का यूज़ करते हुए आप अपनी ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन को बना सकते हो। ये स्मॉल लीग की टीम है, इसे ग्रैंड लीग की टीम में लगाने की गलती मत करना, तीन चार मेंबर वाली टीम है, ठीक है। अब दोस्तों होप करते हैं आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा, अगर सीखा तो एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।